रामनवमी महामहोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है, तो आज ये बहुत बड़ा हमारे लिए उत्सव है। तो आज हम ये उत्सव बड़े ज़ोरों शोर से अपना इस्कॉन श्रीनगर काटलेश्वर मंदिर में मना रहे हैं। तो आज सबसे पहले हमारी यहाँ से शोभा यात्रा शुरू हो जाएगी, वो भी कुछ ही समय के बाद होने वाली है। तो ये पूरे शहर में अपने पुराने शहर जो एरिया है उसमें से निकल के यहाँ से जंदर मुला हब्बा कदल कवर करके बरबर शस्त्र से जाके रिगल चौक फिर आके लाल चौक से होके फिर वापस मंदिर में आएगी। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा दिन भर भजन कीर्तन चलता रहेगा और महाआरती भी होगी और उसके बाद सबके लिए प्रसाद भंडारा होगा। तो आप सबसे आग्रह करते कि इस भव्य यात्रा में शोभा यात्रा में भाग लें और भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। हम अपना जन्माष्टमी पे निकालते हैं और उसके साथ साथ हम रामनवमी पे भी निकालते हैं। ये हर साल निकलती रहती है और अच्छे बहुत अच्छे ढंग से निकलती है। इसमें हमारा काफ़ी लोकल सपोर्ट होता है, यहाँ पर हमारे लोकल जो लोग हैं वह भी इसमें भाग लेते हैं और आपस में भाईचारा से हम बड़े अमन चैन से इसमें बहुत अच्छी तरह से इसमें भाग लेके खुशी से बहुत अच्छी तरह से ये सक्सेसफुल इवेंट बन जाता है। तो हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है लोकल लोग, काफ़ी हमारे जो लोकल हैं यहाँ पे उनका काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है इसमें। क्या प्रार्थना रहेगी आज के दिन? तो आज के दिन तो स्वयं भगवान रामचंद्र जी जो स्वयं एक मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो उनका तो यही संदेश रहता है आज से, क्योंकि रामराज से है ये जो हमारा त्रेता युग था। तो वहाँ से उन्होंने तो एक रामराज चलाया था, क्योंकि वह तो बिल्कुल जहाँ पे हमेशा हर एक जो है हर एक जो उनका जो प्रजा थी हमेशा सुखी थी, कोई किसी का कोई मतभेद नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, तो आपस में सब खुशी से रहते थे, अमन चैन से, किसी को कोई दुख नहीं था। तो आज भी हम यही संदेश भगवान जी के आशीर्वाद से देना चाहते हैं कि आज हमारे स्पेशली इस जम्मू कश्मीर रियासत में अमन चैन रहे, आपस में भाईचारा रहें, सब खुशी रहें और सब आपस में प्रेम से रहें, क्योंकि हम जब प्रेम से रहेंगे तो उससे ही भगवान अल्लाह सब खुश रहते हैं। तो आपस में हमें मिलजुल के रह के प्रेम से रहना चाहिए, यही आज का सबसे अच्छा संदेश मानते हैं और ये सबसे अच्छा शुभ दिन है आज इस रामनवमी के उत्सव पर। थैंक यू सर।